माय रिपोर्ट, ये मेरी इंटरेक्टिव रिपोर्ट है, इसका ना मैं नाम चेंज कर देता हूँ। इंटरेक्टिव रिपोर्ट सेव, और इसका नाम हम इंटरेक्टिव क्रिएट कर देते हैं। सो हमने अपनी रिपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, मैं इंटरेक्टिव रिपोर्ट में जाऊंगा। ये हमारी रिपोर्ट है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने अभी इसका नाम चेंज किया, यहाँ से आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, पेज एलियासिस रख सकते हैं, इसका पेज ग्रुप रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखना है पेज, रिपोर्ट रखनी है, यूज़र इंटरफेस क्या रखना है, उसका पेज मोड क्या रखना है, मॉडल डायलॉग रखना है या नॉन मॉडल डायलॉग रखना है, मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। थीम डिफ़ॉल्ट, मैंने अब थीम डिफ़ॉल्ट यूज़ करी हुई है। यहाँ पर हम सी एस एस क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सी एस एस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन करने के लिए। सेकंड, ये कंटेंट बॉडी के अंदर ये हमारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट की टाइप जो है हमारी एक इंटरएक्टिव रिपोर्ट है। सोर्स जो है ये कहाँ से आ रही है, लोकेशन इसकी डेटाबेस है, और टाइप क्या है इसके, टेबल है, पार्सिंग स्कीमा, और जो टेबल है रिपोर्ट जिस डिपार्टमेंट की हमारी क्रिएट हुई हुई है, तो ये टेबल का नाम हमारा डिपार्टमेंट है। यहाँ से हम टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद ये हमारे पास कंट्री का टेबल आ जाएगा, इधर कंट्री रिपोर्ट। नेक्स्ट, इसके अंदर हम वेयर की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, आप जो भी वेयर की कंडीशन यूज़ करना चाहें। किसी कॉलम को आपको ऑर्डर बाय करना है, आप यहाँ से ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। पेज आइटम टू सबमिट के दौरान पेज आइटम कौन सा रखना है आपको, वो यूज़ कर सकते हैं। सिक्वेंस का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 होता है, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। पेरेंट रीजन, ये हमारा भी पेरेंट रीजन ही है। पोजीशन जो है इसकी कंटेंट बॉडी है, आप इसको आफ्टर हेडर रखना चाह रहे हैं अपनी रिपोर्ट को, पेज हेडर में रखना चाह रहे हैं, नेविगेशन में रखना चाह रहे हैं, आप यहां से चेंज करके अपनी रिपोर्ट को व्यू दिखा सकते हैं। सो गाइस, ये तो हमारी फर्दर रिपोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम एक न्यू रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट रिपोर्ट, क्लासिक रिपोर्ट। क्लासिक रिपोर्ट जस्ट अ व्यू, क्लासिक क्लासिक रिपोर्ट को ना हम चेंज कर सकते हैं, ना उसके अंदर कोई चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना कोई चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। इट्स जस्ट सिंपल अ व्यू। इस रिपोर्ट का हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो क्रिएट नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद क्रिएट अ न्यू नेविगेशन मेन्यू ट्री, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे सोर्स पूछेगा कि एचआर की टेबल के अंदर आपको रिपोर्ट किस टेबल की बनानी है, तो हम लोकेशन यूज़ कर लेते हैं। दरवाज़ा बनकर वो भी आधे घंटे तक मत आइयो, देख रिकॉर्डिंग चल रही है। लोकेशन हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया है, नाउ क्रिएट। गो टू रन। रन करने के बाद क्या हमारी एक क्लासिक रिपोर्ट क्रिएट हो गई है।
तो यह हमारी सिंपल व्यू रिपोर्ट है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यह हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है एक्सेल की फाइल में। सो गाइज, यह हमारी क्लासिक रिपोर्ट थी और प्रीवियस रिपोर्ट के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रिपोर्ट टॉपिक के साथ। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि रिपोर्ट्स विद फॉर्म टेबल क्या होती है, लिस्ट व्यू क्या होती है, कॉलम टू टेबल रिपोर्ट क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।